मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आया था तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया, उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है, वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी बना, मैनुअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैनुअल के नाम से। वो प्रिजन मैनुअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे वो जेल अधिनियमन के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है, इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैनुअल के साथ मिलाकर देखना होगा, और ढेर सारी चीजों को हमने स्वीकारना भी होगा कि समय पर अगर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य हमने दो सिद्धि के लिए अदालतों की मदद के लिए जो उपलब्ध कराने हैं इसमें हम पीछे रहते हैं, दो सिद्धि का दर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने अपने विचार रखें, मैं भी बाद में डिटेल जवाब सदन के सामने रखूंगा और नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दो सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है, और आगे पर यहां देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद।